आज जिस प्रकार से लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को सरेआम मौत के घाट उतारने का काम, टारगेट किलिंग का जो आतंकवादी कर रहे हैं, देशभक्तों को टारगेट किलिंग कर उन्हें हत्या कर रहे हैं, ये इस चीज की हम निंदा करते हैं। और मैंने इस विषय को माननीय गौरवशाली प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया है कि आज भिन्न भिन्न दलों के अंदर जो नेता हैं, खास करके आजकल जो आतंकवाद को छोड़ करके आत्मसमर्पण करके जो पार्टियों में शामिल हुए हैं, उनकी गहनता से जांच होनी चाहिए। वो लोग कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादियों को टारगेट किलिंग के लिए सच्चे देशभक्तों को चिन्हित करकर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं कह देना चाहता हूं कि जितने भी राजनीतिक दलों में हैं, नए जिन लोगों ने आतंकवाद होते हुए सिलेंडर किया है, पार्टियों में आज बैठे हैं बड़े बड़े उदय पर, उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें राजनीति से बाहर किया जाना चाहिए। क्योंकि आज तक मैं मानता हूं उनके ऊपर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, सच्चे देशभक्तों पर, कश्मीरी पंडितों पर और पंच सरपंचों पर ही क्यों हमले हो रहे हैं, तो ये जांच का विषय है। तमाम उन नेताओं की जो आतंकवाद को छोड़ करके राजनीतिक दलों की शरण में है, उनकी जांच हो, उनके कॉल ट्रेस होने चाहिए, तभी आतंकवाद पर और आतंकवादियों पर लगाम लगेगी। यह बहुत गंभीर मसला है। मैंने इस विषय में गौरवशाली प्रधानमंत्री जी को कहा है और उन्हें ट्वीट कर कहा है कि इस चीज पर केंद्र सरकार गंभीरता से संज्ञान ले, उन आतंकवादियों को पार्टियों से, राजनीतिक दलों से बाहर का रास्ता दिखाए। जय श्री राम, जय हिंद।